पर आ करके आज जो भी कार्यक्रम था वो सब कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। माता बनादित के नाम पर जो पहली बार फिल्मी मैच हुआ यहाँ ना तीर्थ यात्रा थी वो सचमुच बहुत अच्छा था इसलिए, लेकिन बहुत अच्छी संख्या में लोग आए और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा हम लोगों को। तो सबका स्वागत है और धन्यवाद हमारे माता बनादित के जन्म स्थान में उनके घर में सबका स्वागत है। प्रवेश द्वार है जहाँ से घुसते थे और एक रास्ते मतलब दरवाजा है जो उस साइड में, तो हम लोग पहले इधर से घुस कर निकलेंगे। बाबू जो जय सु, देख लिया कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ कहाँ से आए हैं? सरगम से ही। ओ सरगम से ही, बहुत अच्छी बात। जय सु, देख लिया अंदर तो कैसा लगा? हाँ, और पानी सब पिए यहाँ का कुआं का? कुआं देखे के ना। ओ अच्छा अच्छा, चलिए साथ साथ। ठीक है तब, स्वागत है, हम लोग भी अभी आ रहे हैं। पानी लेंगे वो क्या है? हाँ ठीक है, जरूर जरूर आइए, विश्वास से ले जाएंगे। तो यहाँ पर माता बना देते लोग जब छोटी थी तो यहाँ अपना हाथ पैर धोती थी और स्नान वगैरह करती थी, तो उन्हीं की तीन माता मतलब माता बर्नाडेट, माता सुशीलिया और माता वेरोनिका, ये तीनों के नाम पर यहाँ पर स्मारिका बनाया गया है। ये कब्रिस्तान नहीं है, बस उनकी यादगारी में इस तरह का शेप बनाया हुआ है। उनका कब्रिस्तान वास्तव में अभी रांची में है, लेकिन उनकी यादगारी में ये तीन ये स्मारक चिन्ह बनाए गए हैं। और ये मूल निवास स्थान है जहाँ उनका जन्म हुआ, वे जहाँ पली बढ़ी, खेली कूदी, नहाई धोवाई, इस तरह ये उनका मुख्य मतलब जन्म स्थान है। तो उनका ये प्रांगण था बड़ा, उसके बाद यहाँ उनका अपने ढंग से सजाया हुआ है। उधर किचन था, उधर अभी तक गोडाउन जहाँ बक्स वगैरह रखते हैं। उसके पुराने यादगारी में बॉक्स वगैरह सब पड़े हुए हैं जो माता बनाते यूज करते थे। और इस जगह बेसिकली ऐसे ऐसे जो घर आप देखते हैं तो बेसिकली उसमें मुर्गी को रखते थे पहले लोग, और इसको ऊपर से ढक देते थे और इधर इधर देख रहे ना, इधर से मुर्गी निकलते घुसती थी। और हाँ इधर इधर इमली सब बना बना करके उसको प्रिजर्वेशन के तौर पे ऐसी जगह पे रखते थे। और ऐसे खुली खुली सब तो जो सामान वगैरह सब रखना था तो उसके लिए हाँ उसके लिए यूज करते थे। आइए अब हम आप मतलब तो ले चलते हैं। बर्नाडेट के दूसरे कमरे में आए हैं तो यहाँ पे एक स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता था। जैसे आप लोग देख रहे हैं बहुत पुराना सॉलिड प्योर लकड़ी का है, तो पहले जमाने में वो हमारे छत में होते थे तो जो हमारे पुरखे होते थे तो इस तरह से बना करके इसके ऊपर सामान को अच्छी तरह से रखते थे। तो आप लोग देख सकते हैं ये पुराने टायर हैं, इधर रस्सियाँ पड़ी हुई हैं और इस तरह से। और बेड के लिए जैसे हम लोग अभी दीवान बेड में सोते थे ऐसे नहीं था उस समय, बहुत ऑर्डिनरी बेड और लेकिन बहुत ओरिजिनल लकड़ी से बना हुआ था तो बस उसको सेट करके उसके ऊपर तख्ता रख देते थे, जब सोना होता था तो वे सोते थे और नहीं तो बाकी बाद में अगर कहीं बाहर जाना हुआ तो उसके ऊपर सामान रख करके वे लोग चले जाते थे। और हाँ देखिए इसमें आप लोग देख रहे ना खेती विशेष रुचि रखती थी है ना, तो आप सोच सकते हैं कि छोटा नागपुर में जहाँ पे मौसम उनके अनुकूल नहीं है लेकिन जब जिज्ञासा होती है इच्छा होती है तो आप कुछ भी पैदावार कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप सबों का माता बनादेत के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। और यहाँ आप देख रहे हैं
माता बिनादेत क्या के घर का कुआं निजी कुआं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ यह ऐसे जगह में स्थित है जहाँ वे परिवार वाले उसको विशेष रूप से प्रयोग करते थे। और चूँकि वे बहुत धनी परिवार से थे, इसलिए उनका उन्होंने अपने लिए अपने घर के अंदर ही अपने लिए पीने का पानी, नहाने धोने के लिए पानी की व्यवस्था कर रखी थी। और इस तरह यह कुआं बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक कुआं है, जहां हमारी माता संस्थापिका बेरनादेत ईस्ट देवी का माता बेरनादेत ने पानी पिया, यहां से वो पानी पी और बढ़ी और इस तरह ईश्वर की बुलाहट में वो आगे बढ़ी। पहले इस तरह के कुआं को बुचित कुआं बोलते थे, जहाँ से पानी कभी नहीं आता था। तो सिस्टर आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी हाँ, ये उसी प्रकार का कुआं है जिसको पहले के लोग शायद बुचित कुआं कहते थे। और सचमुच इसका पानी कितनी भी गर्मी क्यों ना हो कभी पूरी तरह नहीं सूखता है। जब भी इसका वाटर लेवल ज़्यादा गर्मी में कुछ नीचे से आ जाता है, लेकिन पूरी तरह कभी नहीं सूखता है। यह भी एक जैसे कि आप लोग को बता दें, जो ये गांव है, ये जो लोकेलिटी है, ये जो सिचुएटेड है कम्प्लीटली ऑन द रॉक फाउंटेन पे, मतलब कि रॉक पे, सॉलिड रॉक पे। और सॉलिड रॉक पे पानी मिलती है लेकिन बहुत गहराई के। लेकिन इसकी एक वरदान या इसकी एक आप बोलिएगा कि विशेषता या एक मिरेकल, आप चमत्कार बोलिएगा कि इतना रॉक होने के बावजूद इस कुआँ से पानी कभी नहीं घटती है। और इस कुआँ का पानी ये में ईश्वर की आश्रय कृपा है। और इसको जैसे बहुत साक्ष्य भी आए हैं, बहुत लोगों ने भी इसका प्रयोग करके चंगाई पाए हैं, स्वस्थ हुए हैं। दिस इज वन ऑफ द आई थिंक एंशियंट, हम बोलेंगे 145 इयर्स, मतलब कि सेंचुरी पार हो गया है। और ये कुआँ का पानी अभी तक जिंदा है, इसमें अभी तक पानी है, नहीं तो बहुत सारे कुआँ सूख गए हैं, बट स्टिल इट हैज अ सोर्स ऑफ वाटर। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। सो दोज ऑफ यू आर कमिंग, प्लीज डू कम एंड विजिट दिस प्लेस। हमारे समक्ष ऐसे शख्सियत हैं, माँ है, जो यहाँ का वास्तविक अपना अनुभव को बताएगी। तो थोड़ा माँ आप इस कुआं के बारे में बता दीजिए। सादरी में बताएंगे माँ कुआं के बारे में क्या बताब। कुआं तो कहीं नहीं सुखौला, पानी तो हम नियो ले जाते रही से। और हमने जोर से अथी हो भीतर भीतर, लेकिन एक बहुत दिन से हो खेत बाड़ी या डांड में खेत लेन रहे, नदी किनारे रहे, से कुआं मन सूख जाए, लेकिन ये कुआं नहीं सूखेगा। तो उके तो का लेखन देखे सला और का माने सला सरकार विशेष वरदान को बढ़िया। हम पानी रोजे भरत रहली अब तो ई माने अब इखन हुने घर बना ले ने तो बांध रहेला। सिस्टर माने आवे ना बोले कभी साफ सुथरा करके नहीं अड़के ना आगे बता दे वाले के आवे आवे लगन। चलो हम आगे बढ़ते हैं उसके कमरे की ओर। तो ये है हमारी ईश सेविका माता बेरनादेत के घर का दूसरा कमरा, जो एक गोदाम के रूप में प्रयोग किया जाता था। यहाँ कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसका प्रयोग वे समय समय पर करते थे, प्रतिदिन नहीं करते थे। इसलिए ऐसे पुराने बक्से, यहाँ एक बक्स अभी तक पड़ा हुआ है, इसमें उनकी कुछ पुरानी चीजें हैं जिसको वे यहाँ छोड़ रखे हैं। यहाँ की जो चौथी पीढ़ी थी वे यहाँ रहा करते थे, इसलिए जब तक वे यहाँ थे उन्होंने इन चीज़ों का प्रयोग किया। लेकिन अब वे नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, और लेकिन यादगारी में उन्होंने कुछ चीज़ों को यहाँ छोड़ रखा है। तो इस तरह अभी ये गोदाम के रूप में यहाँ पे मौजूद है। तो ये इनकी बना हुआ पहले पुराने ज़माने के घरों की तरह है, जहाँ बड़े बड़े बड़ी बड़ी लकड़ियाँ और दीवारें हैं, जो मिट्टी की हैं। और अभी तक ये इनकी सफाई के लिए चूही मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जो प्राचीन काल से हमारे पुरखों ने करता आया है।
ऊपर छत है। अच्छा, तो ये हमारी माता बिरनादेत के घर का बहुत ही मुख्य कमरा है जहाँ वे सोती थे। उनका परिवार बड़ा परिवार था, इसमें ये रूम ये कमरा बहुत ही बड़ा है। और इसमें एक विशेषता है कि इसके ऊपर और एक मंजिल है जिसको पहले पटान घर कहा जाता था। तो यहाँ से सीढ़ी है जहाँ से वे चढ़ा करते थे, तो इस तरह सीढ़ी से चढ़ते हुए वे ऊपर तक जाते थे और ऊपर में कुछ सामानों को रखते थे। तो इस तरह अभी तक उनका पटान घर मौजूद है यहाँ, जहाँ वे अपना सामान रखते थे और शायद ऊपर वे सोया भी करते थे, क्योंकि ये बहुत सुंदर ठंडी जगह है जहाँ वे आराम से सो भी सकते थे। इस तरह ये उनका पटान घर है जो आज भी हमारे लिए उदाहरण है। पहले के घरों का एक नमूना हमारे लिए उन्होंने छोड़ रखा है। और इस घर में एक ऐसी खिड़की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने संस्मरण में भी किया है। और ये है वो खिड़की जहाँ से वो अपने पिताजी पूरन प्रसाद ने जब उनको शादी नहीं करने की वजह से तलवार लेकर मारने की धमकी दी, तो इसी खिड़की से वो भाग करके लोरेटो मररों के गिरजाघर में जाकर उन्होंने प्रभु से प्रभु की शरण ली थी। लेकिन ये खिड़की अभी दिखने में छोटी दिख रही है, लेकिन पहले ये खिड़की बड़ी थी जहाँ से कोई भी आराम से निकल सकता था और अंदर भी आ सकता था, लेकिन बाद में इसे छोटा बना दिया गया है, इसलिए पहले ये खिड़की बड़ी थी। तो ये खिड़की है जहाँ से माता बनाने भागती भागती 4 बजे के बाद लोरेटो धन बहनों के गिरजाघर में शरण लेती है। जब उन्होंने शादी करने से इनकार किया तो उनके पिताजी ने क्रोधित होकर उन्हें मार डालने की धमकी दी, तो वे यहाँ से भागे। इस तरह उनका ये बेडरूम या सोने का कमरा बहुत ही बड़ा है, जहाँ वे एक साथ अपने माता पिता के साथ अपने भाई बहनों के साथ सोती थी और इस तरह सुरक्षित रहती थी। घर की ये लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत है, अभी तक ये भी देखने लायक है। ये सारी लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं अभी तक और हमें उनकी याद दिलाती है। जय श्री हार्दिक स्वागतम। धन्यवाद धन्यवाद सबको। तो हम लोग थोड़ा आने के वाले भाइयों को बता रहे हैं। तो ये पहले टीवी हॉल था, मतलब आप कुछ बता दीजिए। तो यहाँ एक भाई हैं जो इस कमरे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। पहले ये कमरा किस रूप में प्रयोग होता था? जैसे यहाँ पे ये जो रूम है, तो उसमें पहले के लोग, जैसे आजकल का टीवी जो होता है ना, रंगीन टीवी है, तो पहले जब टीवी था और जैसे भी पहले वो वाइट ही दिखाई देता है ना, तो वैसे टीवी था। तो पहले के लोग इसमें मतलब जो पहले यहाँ पे जो रहते थे, तो वे लोग बैठते थे, फिर 50 पैसा या फिर कुछ दे करके घुसते थे टीवी देखने, और साथ में मतलब दे करके फिर निकलते थे। अच्छा, तो अभी इस रूम को एक प्रार्थनालय के रूप में तैयार किया गया है, जहाँ जब तीर्थयात्री आते हैं तो वे यहाँ बैठ करके माता बनारस की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो उनकी तस्वीर और उनकी पहली प्रेरणा सामने लिखी हुई है, जो जिससे उन्होंने अपने
अपने गुलाहट के लिए पाया था। और दूसरी प्रार्थना क्रूस के बगल में है, जिसको उन्होंने अपने जब वे प्रार्थी बने अर्थात पोस्टुलेंट बने तो उन्होंने इस चढ़ावे की प्रार्थना को ईश्वर को अर्पित किया था। ये भी बहुत सुंदर प्रार्थना है। जब हम संतना की पुत्री अभी भी प्रतिदिन पवित्र संस्कार को पवित्र यूकारिस्ट को ग्रहण करने के बाद में करती हैं। यहाँ भी कुछ लकड़ियाँ पुराने जमाने की लकड़ियाँ अभी तक हैं उनकी यादगारी में, जो सचमुच बहुत मजबूत है और उनकी याद भी रखती हैं। और यहाँ एक तस्वीर है जो पूरन प्रसाद के परिवार की, पूरे परिवार की तस्वीर है। यहाँ ये उनके पिताजी मतलब पूरन प्रसाद हैं, ये उनकी माँ कौलीना और उनके भाई बहन। तो ये चूँकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये माता बरनादेत हैं जो जब वो छोटी थी तो उन्होंने ये फोटो को लिया था। इस तरह उनके माता बरनादेत के परिवार का पारिवारिक फोटो। फिर और एक रूम इधर बच गया है, चूल्हाघर के रूप में प्रयोग होता था जिसकी निशानी अभी तक है, इधर चूल्हा हुआ करता था, लेकिन बाद में रसोई घर को उन्होंने उधर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और बाद में यहाँ वे खाने के लिए प्रयोग करते थे। इस तरह भोजनालय के रूप में या डाइनिंग रूम के रूप में हमारे बीच मौजूद है। हमारी बरनादेत इस शरीर का माता मेरी बरनादेत के घर के विभिन्न कमरे हैं जो उनकी उपस्थिति का एहसास कराते हैं और उनकी निशानियाँ जी नहीं, ये तो हमारे नहीं वंशावली बना देखिए बनाइए वंशावली है। मीडिया वाले को तो जरूरी है वंश वृक्ष है, उसमें इनका भी नाम जिक्र है। ये है अनुज किसपुट्टा और उनकी वाइफ सुचिता। अभी तो 17 तारीख को इनकी शादी हुई है। इस तरह ये अभी बिल्कुल नए दंपति हैं जो बनादेत के आशीर्वाद से उन्होंने नया जीवन शुरू किया। और ये है एरिक किसपुट्टा जो इस वंश वृक्ष में प्रभु प्रसाद के वंश से आते हैं। इस तरह के वंश वृक्ष में इनका भी नाम जिक्र हुआ है। इस तरह ये सारे परिवार वाले उनसे मिलकर भी खुशी से धन्यवाद आने के लिए। Meri peenali
देते हैं।